सो हेलो गाइज, मैं मुसा अली, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के डिस्कवरी में, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमारे पास है वीवो की तरफ से आने वाला V21e 5G स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ सिंगल वेरियंट आता है। और गाइज, इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है 24,990 रुपये रखा गया है। सो आगे इस वीडियो में आप लोगों को स्मार्टफोन की जो भी कैमरा क्वालिटी है, गेमिंग एक्सपीरियंस है, बैटरी वगैरह है, सबका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही डिस्कस करेंगे क्या ये 24,990 रुपये में आप लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं कि हमें स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में क्या कुछ कंटेंट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हमें एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, कुछ बुकलेट्स, सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट कवर, 44 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, टाइप सी की चार्जिंग डाटा केबल, और एक 3.5mm जैक के साथ ईयरफोन। सो गाइस, यहाँ पे हमें फोन के साथ एक ईयरफोन भी देखने को मिल जाती है बॉक्स में। तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि काफी रेयर चांसेस होते हैं कि हमें किसी स्मार्टफोन के साथ ईयरफोन्स भी देखने को मिले। तो बात करते हैं फोन के ऑल ओवर लुक्स और डिजाइन की, तो इस जो वीवो के स्मार्टफोन होते हैं वो डिजाइन सेंट्रिक होते हैं, तो उसी पैटर्न को ये स्मार्टफोन भी फॉलो करता है। काफी स्लिम स्मार्टफोन है, लाइट वेट है, और इसके अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो 7.6mm की थिकनेस मिलती है, साथ में 165 grams का वेट। और इस फोन जो है गुड लुकिंग है, कैमरा बम्प भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको पीछे की तरफ जो है प्लास्टिक बिल्ड बॉडी देखने को मिलती है, जिससे जो स्क्रैचेस वगैरह है काफ़ी जल्दी नज़र आने लग जाएंगे। वैसे अगर आप फोन को देखते हो, अपने हाथ में होल्ड कर दो, तो काफ़ी अच्छी फील आपको यहाँ पे आने वाली है। फोन बिल्कुल लाइट वेट महसूस होता है। जो कैमरा का डिजाइन दिया गया है पीछे की तरफ, वो भी बहुत बेहतरीन लगता है। लुक्स के मामले में तो कोई शिकायत नहीं है स्मार्टफोन से, फोन लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं फोन के साइड पोर्ट्स और बटन्स की, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। और गाइस, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जहाँ पे आप दो नैनो सिम डाल सकते हो या फिर एक सिम और एक एसडी कार्ड डाल सकते हो। इसके अलावा टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल्स यहाँ पे दी गई है। चले फोन के राइट साइड में तो ऊपर की तरफ वॉल्यूम रोकर्स है, और ठीक नीचे पावर बटन दिया गया है। फोन के लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है, साथ में 3.5mm का जैक भी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, फोन में 3.5mm का जैक दिया गया है। वैसे बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो फोन में 6.44 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। फोन में 2404x1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी है, 600 nits की ब्राइटनेस है। अगर आप फोन को बाहर यूज़ करते हो डे लाइट में, तो कोई इशू नहीं आने वाला। इसके अलावा जो बेजल्स है काफ़ी हद तक नैरो दिए गए हैं, और गाइज आप जो वीडियोस वगैरह देखोगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से इन्जॉय करने वाले हो। क्लियरिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन में, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में मेरे को एक जो ड्रॉबैक लगा वो है ड्रॉप डाउन नोच। गाइज वीवो जो है, जैसे लास्ट टाइम Y73 इन्होंने लॉन्च किया था, उसमें भी ड्रॉप डाउन नोच दी गई थी, तो ये थोड़ा ओल्ड पैटर्न लगता है, लेकिन पता नहीं वीवो इसको फॉलो क्यों कर रहा है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन नोच की जगह वीवो को सेंटर पंचोल या फिर साइड पंचोल कैमरा देना चाहिए, जो कि फोन को एक फ्रेश और न्यू लुक प्रोवाइड करता है। बाकी आप लोगों की पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, हो सकता है बहुत से लोगों को ड्रॉप डाउन नोच पसंद हो और साइड पंचोल या फिर सेंटर पंचोल कैमरा पसंद ना हो। और गाइस नेक्स्ट बात करें फोन में ऑडियो की, तो यहाँ पे सिर्फ नीचे एक सिंगल स्पीकर दिया गया है, फोन में आपको ड्यूअल स्पीकर नहीं मिलने वाले, तो ये एक थोड़ी सी कमी। अगर ड्यूअल स्पीकर होते तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन जो सिंगल स्पीकर है वो भी डिसेंट साउंड आपको प्रोवाइड करता है, क्लियर क्रिस्प साउंड यहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगी। गाइस नेक्स्ट बात करें फोन के सॉफ्टवेयर की, तो फोन जो है फ्रंट टच ओएस 11.1 पे बेस्ड है, जो कि एंड्रॉइड 11 पे ऑपरेट करता है। और गाइस फ्रंट टच ओएस जो है काफ़ी स्मूथ है, क्लियर है, बस यहाँ पे आपको जो है ब्लोटवेयर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उन्हें इजिली अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पे फोन में आपको देखने को मिलेगा। गाइस नेक्स्ट बात करें फोन के प्रोसेसर की, तो फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का चिपसेट दिया गया है। और गाइस यहाँ पे आपको 8GB की रैम प्लस में 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। इन गाइस इस फोन में एक आपको एक्सटेंडेड रैम का फीचर भी देखने को मिलता है, जहाँ पे आप 3GB की रैम एक्सटेंड कर सकते हो कभी आपको अगर ज़रूरत पड़े। मान लीजिए आपको ज़्यादा ही हैवी टास्क कर रहे हो, फोन आपका लैग कर रहा है, तो वहाँ पे आप उस फीचर को इनेबल कर सकते हो सेटिंग्स में से। गाइस इसके अलावा जो डायमेंसिटी 700 चिपसेट है, पावर एफिशिएंट भी है, और कोई हीटिंग इशू वगैरह भी देखने को नहीं मिलता अगर आप कोई थोड़ा बहुत हैवी टास्क करते हो। मैंने यहाँ पे एसफेल्ट 9 गेम जो है प्ले करके देखा, तो गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा था, कोई भी इशू मुझे नहीं लगा। लेकिन गाइस अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, डायमेंसिटी 700 का जो चिपसेट है रियलमी शाओमी जैसे स्मार्टफोन में आपको 15,000 के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, लेकिन वीवो ने ये जो चिपसेट है 25,000 में जाके इस फोन में प्रोवाइड किया है। गाइस यहाँ पे स्मार्टफोन का ये थोड़ा मेजर ड्रॉबैक हो जाता है, जिसकी वजह से 25,000 की रेंज में स्मार्टफोन को
रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बात करें फोन के बैटरी की, तो फोन में 4000 एमएएच की बैटरी दी गई है, साथ में 44 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और जो चार्जर है वो आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है। सो वैसे यहाँ पे जो बैटरी है उसका साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन जो आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और इस कंपनी क्लेम करती है कि 30 मिनट में फ़ोन जो है 72% चार्ज हो जाता है, लेकिन मैंने फ़ोन को जब चार्ज करके देखा तो अराउंड 54 मिनट्स में 72% चार्ज हुआ। लेकिन गाइस जब कंपनी इस चीज़ को टेस्ट करती है तो उनका अलग क्राइटेरिया रहता है, लेकिन जब हम स्मार्टफोन को चार्ज लगाते हैं तो इसमें बैकग्राउंड में काफ़ी सारे टास्क चलते रहते हैं, इसके अलावा सिम वगैरह भी इसमें रहती है, इन सब चीज़ों का जो इफेक्ट है स्मार्टफोन की चार्जिंग पे होता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए चार्जिंग स्पीड यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें फोन के सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, साथ में फेस अनलॉक। और वीवो के जो स्मार्टफोन रहते हैं उनका फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट रहता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपना थंब रख रहा हूँ फोन काफ़ी अच्छी स्पीड से अनलॉक हो रहा है, और फेस अनलॉक भी अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पावर बटन पे दबाते ही फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की देखने को मिलती है। वैसे फाइनली बात करें फोन के कैमराज की, तो फोन के पीछे की तरफ आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। वैसे यहाँ पे वीवो ने काफ़ी अच्छा काम किया है, फोन के पीछे की तरफ कोई भी फालतू के 2-2 मेगापिक्सल्स के कैमरे नहीं दिए। यहाँ पे जो बोके इफेक्ट है या फिर जो मैक्रो शॉट है वो आप इन्हीं कैमराज की हेल्प से ले सकते हो। साथ ही आपको बैक कैमरा में EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा फ्रंट में दिया गया है। और अभी आप फ्रंट कैमरा की फोटोज देख सकते हो, क्वालिटी काफ़ी शानदार है, फोटोज़ में ब्लर इफेक्ट वगैरह सब अच्छे से मेंटेन होते हैं। और गाइस इसी के साथ जो नाइट मोड का कैमरा है उसमें भी फोटोज़ अच्छे निकल के आते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा अंधेरे में फोटो शूट कर दो तो वहाँ पर स्किन ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। और इसके अलावा आप ये फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हो, फ्रंट कैमरा से 1080p में वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे कोई स्टडी मोड वगैरह नहीं है फ्रंट कैमरा में, तो जो वीडियो है वो थोड़ा शेकी निकल के आती है। और अभी ये फ़ोन के बैक कैमरा की फोटोज़ देख सकते हो, यहाँ पे जो स्किन टोन है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। उसके अलावा ये अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट है, इसमें भी काफ़ी अच्छी फोटो निकल के आई है, जो डायनेमिक रेंज है, जो क्लैरिटी है फोटोज़ की वो वाकई में शानदार है। इसके अलावा जो नाइट मोड है यहाँ पे उसमें भी स्किन टोन थोड़ा डार्क है, लेकिन नाइट मोड में भी काफ़ी अच्छे से कैमरा वर्क करता है। और फोटोज़ आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरे की ये फोटोज़ हैं, लेकिन फ़ोटोज़ को देख के लगता नहीं है कि नाइट टाइम की फ़ोटोज़ हो सकती हैं। और गाइस अभी ये फ़ोन का बैक कैमरा है, यहाँ पे इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो आप देख सकते हो, साथ ही साउंड क्वालिटी भी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और साथ ही गाइस फ़ोन के बैक कैमरा में अल्ट्रा स्टडी मोड देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आप सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह शूट करते हो तो काफ़ी शानदार वीडियो निकल के आने वाले हैं। फाइनली बात करें फ़ोन के कैमरा UI की, तो यहाँ पे हमें नाइट मोड और पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है बैक कैमरा में। और अगर हम चले वीडियो मोड में, तो यहाँ पे हमें ड्यूअल व्यू वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे हम एक साथ फ्रंट और बैक कैमरा में वीडियोस शूट कर सकते हैं। अल्ट्रा स्टेबल मोड भी यहाँ पे हमें दिया गया है। और अगर हम चले मोर के ऑप्शन में, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का लक्ष्य ऑप्शन है फोटो शूट करने के लिए। इसके अलावा लाइव फोटो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम चले कैमरा की सेटिंग्स में, तो यहाँ पे हमें ऑटो फोकस मोड दिया गया है, वाटर मार्क है यहाँ पे। साथ ही हम फोन के बैक कैमरा से 1080p तक वीडियो शूट कर सकते हैं, क्योंकि गाइज ये जो चिपसेट है डायमेंसिटी 700 ये 4K वीडियो सपोर्ट नहीं करता। साथ ही बैक कैमरा में जो है हमें फ्रेम रेट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है 30fps पे और 60fps पे। अगर बात करें फोन के फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे नाइट मोड और पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाता है। वीडियो मोड में हमें स्टेबल मोड वगैरह नहीं मिलता, ड्यूअल व्यू वीडियो फ्रंट कैमरा में दिया गया है। मोर के ऑप्शन में चले तो सिर्फ यहाँ पे हम फ्रंट कैमरा से लाइव फोटो शूट कर सकते हैं और AR स्टिकर्स वगैरह के साथ फोटो शूट कर सकते हैं। और अगर हम चले वीडियोस वाले सेटिंग्स में फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे हमें ऑटो फोकस वगैरह देखने को मिल जाता है, वाटर मार्क भी। साथ ही यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन भी हमें फ्रंट कैमरा में भी 1080p तक का देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रंट कैमरा में फ्रेम रेट वगैरह सेट नहीं कर सकते। बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, कि 24,990 रुपये में ये स्मार्टफोन आप लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं। तो वैसे यहाँ पे इस फोन का जो मेजर ड्रॉबैक मुझे लगा वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि दूसरा जो चाइनीज ब्रांड है वो सेम प्रोसेसर आपको 14-15 हज़ार रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 25,000 में ये प्रोसेसर मिलता है। तो अगर आप लोगों का मेन फोकस प्रोसेसर पे रहता है तो मैं आप लोगों को ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप जो है एक लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहते हैं, फ़ोन स्लिम भी होना चाहिए, लाइट वेट भी होना चाहिए, फ़ोन का कैमरा क्वालिटी भी अच्छी हो, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ से बेशक से जा सकते हैं। आप ऑफलाइन मार्केट से इस स्मार्टफोन को परचेज करते हो तो वहाँ पे आप अच्छा खासा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। फोन मुझे पर्सनली सही लगा, बाकी जो इसकी प्राइसिंग है वहाँ पे थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो वीवो V21e 5G को लेकर, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी।
बाकी गाइज वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आप लोगों को कोई सजेशन है वीडियो को लेकर तो वो भी नीचे टाइप कीजिएगा। और इसके अलावा आप इंस्टा भी ट्विटर पे आ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।